हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डे 11 एंड 12 वीडियो फॉर एल्गर 3. ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. लेट्स स्टार्ट विद फोनिक्स, इन विच फर्स्टली वी विल सॉल्व WS17. सो प्लीज़ ओपन WS17 एंड द क्वेश्चन 2 वी विल डू. ओके, आइडेंटिफाई द मिसिंग साउंड एंड राइट इट इन द ब्लैंक स्पेस. चिल्ड्रन, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें दिए हुए हैं जिसमें कुछ साउंड्स मिसिंग है, कुछ नहीं है साउंड्स. तो आपको क्या करना है, आपको वो सही आइडेंटिफाई करना है, सही साउंड को पहचानना है और यहाँ लिखना है. राइट, फॉर दिस चिल्ड्रन आई विल स्पीक 6 वर्ड्स. ठीक है मैम, कुछ वर्ड्स बोलेंगे, उन वर्ड्स को ध्यान से सुनो और फिर देखो वेयर दो साउंड्स विल कम. मतलब आपको उन वर्ड्स की साउंड से, उन वर्ड से इन जो ब्लैंक्स है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, आपको उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्पीक, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ गन. द फर्स्ट वर्ड इज़ गन. Now children see where is this word or where you will complete it, है ना, ये आप देखो. ठीक है, and the second word is bun. The second word is bun. The third is sub. 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 Okay, I'm repeating from starting. G a m gun. Gun. Okay, b a n bun. And now the d sound is k a b k a b cub. G a t g a t gut. Okay, I hope you all are listening me very carefully. And the last sound is h a t h a t hut hut. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन प्लीज कंप्लीट इट. दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट. ओके, प्लीज कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ. एंड लाउ चिल्ड्रन प्लीज ओपन WS18. ओके, WS18 क्वेश्चन 2 अगेन वी विल डू ऑन दिस WS. पोजिशन वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस. चिल्ड्रन आई टोल्ड यू अबाउट 4 पोजिशन वर्ड्स, इन, ऑन, इनटू एंड नियर. About all these, you all have watched many times, right? Videos. Now, children, what you have to do? You have 2 options in all the sentences. Let's read this. The frog is sitting dash in on the log. Now, you have to see. Firstly, you can see where is the frog. Means frog is log ke upar hai ya iske andar hai? In means under, on means upar. ऊपर है, देन द ऑन विल कम हियर. इसी तरह आपको सारे सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं बच्चों. ओके, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैम से पूछ सकते हो. चिल्ड्रन नाउ स्टार्ट होल वर्ड्स इन विच आई एम शोइंग यू दिस फ्लैश कार्ड. आई विल शो यू सम फ्लैश कार्ड्स, राइट. लेट्स रीड इट. अंडर, स्पीक आफ्टर मी प्लीज. अंडर, वॉट इज दिस? अंडर. ओके, नाउ आई एम शोइंग यू नेक्स्ट. Let's read it, children. The next is berries. What is the next? Berries. B-E-R-R-I-E-S. Berries. Now the third is about. What is the third? About. A-B-O-U-T. Please speak after me. About. Different. Now the next is different. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different. Now the next is anywhere. Anywhere. A-N-Y-W-H-E-R-E. Anywhere. Okay. Now the next is made. M-A-D-E. Made. Now the last is yet. Y-E-T. Yet. Children, please, I hope you all have seen all these words, right? So please do more practice of reading. Read kariye, inko practice kariye, theek hai? Children, in reading and listening comprehension, you have to see. आपको देखना है. CRL means class resources live. अगर आप स्कूल में होते तो आपको ये जो हमारे स्कूल में
LCDs हैं, स्मार्ट क्लास है, वहाँ पर आपको ही दिखाया जाता है. बट नाउ यू हैव टू वॉच दिस थिंग ऑन द ऑनलाइन एल्गा क्लास, राइट? व्हेन यू विल सी द वीडियो ऑफ एल्गा ऑनलाइन, ओके, ऑन लीड ऐप, देन यू हैव टू रीड और वॉच दिस स्टोरी इनक्रेडिबल इंडिया अबाउट दिस. ठीक है चिल्ड्रन, आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन वीडियो देखनी है, एटलीस्ट आप उसमें CRL तो देख लिया करो, है ना बच्चों, उससे आपके लिए ईजी होगा. सो प्लीज़ वॉच दिस स्टोरी, देन यू कैन डू द नेक्स्ट थिंग, ओके. नाउ चिल्ड्रन प्लीज़ ओपन WS19 इन योर वर्कबुक ऑफ एल्गा 3, ओके, एंड कम डाउन. लेट्स डू द क्वेश्चन 2, वोकैबुलरी वर्ड्स. सी द क्वेश्चन, सर्किल द पिक्चर दैट, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, सर्किल द पिक्चर दैट मैचेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. चिल्ड्रन यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ओनली टू पिक्चर्स मीन्स टू सेंटेंसेज यू हैव और पिक्चर्स, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो सेंटेंसेज दिए हैं उसमें जो वर्ड अंडरलाइन है आपको देखना है उस वर्ड से मैच कौन सी पिक्चर हो रही है, ठीक है. फिर आपको उस पिक्चर को सर्किल करना है. लाइक द फर्स्ट इज वी लर्नड अबाउट ट्राइबल पीपल, राइट, एंड द सेकेंड इज राज लिव्स इन द सिटी. नाउ यू हैव टू सी सिटी और ट्राइबल विच इज़ द करेक्ट पिक्चर यू हैव टू सी एंड यू हैव टू मैच. डू इट बाई योर सेल्फ, ओके चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन इन ग्रामर प्लीज ओपन WS18, ओके, एंड कम डाउन. सी द क्वेश्चन 2, पोजिशन वर्ड्स. चूज द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट द सेंटेंस. आपको सेम थिंग यू हैव टू डू, आपको ये सारे सेंटेंसेस कम्प्लीट करने. यू हैव ऑप्शंस, टू ऑप्शंस, प्लीज़ डू इट बाई योर सेल्फ. अभी मैम ने आपको एक्सप्लेन भी किया था, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, ये खुद से करिएगा आप. नाउ ओपन WS20 एंड सी द क्वेश्चन 2, पोजिशन वर्ड्स. अगेन पोजिशन वर्ड्स, चूज द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस. सेम थिंग इज हियर, यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड, राइट. यू हैव टू ऑप्शंस इन ऑल द सेंटेंसेज. लाइक द लीफ इज डैश द ट्री इन और नियर. नियर मीन्स होता है बाबू पास, ठीक है. इन मीन्स होता है अंदर. अब आप देखो ये लीव इस ट्री के पास है या इसके अंदर है, है ना. यू कैन सी द लीव इज नियर द ट्री, नॉट इन द ट्री. देन यू नीड टू राइट नियर हियर, ओके. प्लीज कंप्लीट इट बाई योर सेल्फ. नाउ सी चिल्ड्रन, राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्सप्रेशन. चिल्ड्रन इन द लास्ट वीडियो आई हैव गिवन यू वन टॉपिक दैट यू नीड टू ड्रॉ ऑन दैट. आई होप यू ऑल हैव ड्रॉन, राइट. द टॉपिक वॉज द फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, है ना. मैम ने आपको टॉपिक दिया था, हैव यू drawn or read something, okay children. Now I'm going to show you sentences, right. Please note down those sentences. And children, I told you one thing also, you need to follow the CAF strategy, right. When you want to see have you written wrong or right, then you need to follow. आपको अगर ये देखना है क्या मैंने सही से लिखा है, तो आपको वो जो CAF strategy उसको follow करते हैं ना. Just a minute. Children, firstly, note down these sentences in your notebook and you need to CAF strategy to check have you written wrong or right. आपने सही लिखा है या गलत लिखा है ना children. Quickly pause the video and note down all these sentences in your notebook. Children, we use CAF strategy to make our writing better. ठीक है, हम इसको इसलिए use करते हैं कि हमारी writing सही हो. We use करेक्ट लेटर, कहाँ पर कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पर कौन सा वर्ड हमें ऐड करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को खुद से फिल करना है. जब आपने कोई पिक्चर देखी, फिर उस पिक्चर को आप और आपको मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए. सेम थिंग इज हियर, आपने कोई पिक्चर ड्रॉ की, उससे रिलेटेड मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए. तो आपका दोनों चीज़ें ज़रूरी है, आपका रीड करना, उसको अच्छे से रीड करिए पहले तो, है ना. फिर आप उस पिक्चर को देखिए, व्हाट विल कम देयर और हियर, आप समझ सकते हो उस चीज़ को, है ना. तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए. अगर आपने अब तक नहीं वो पिक्चर ड्रॉ नहीं की है, द फेस्टिवल ऑफ कोलकाता, प्लीज़ उसको कम्प्लीट करिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर ट्राई टू कम्प्लीट इट, राइट. एंड प्लीज़ कम्प्लीट ऑल द वर्कशीट अबाउट विच आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो, ओके. थैंक यू सो मच. फॉर एनी क्वायरी यू कैन डायरेक्टली कॉल मी. थैंक यू.